ियल फॉर बिगनर्स आज की ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है न्यू डेवलपर्स के लिए क्योंकि इस वीडियो के अंदर में जो है जे आर ई जे डी के जे आई टी वगैरह जो भी हमारे कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट होते हैं उन सबको हम देखेंगे अलॉन्ग विद हिस्ट्री सो आइए चलते हैं इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं सो so, ये कंटेंट से हमारे जो के आज हम कवर करने वाले हैं सो so, सबसे पहले आते हैं जावा की हिस्ट्री की तरफ थोड़ा सा हिस्ट्री को देख लेते हैं क्योंकि जावा डेवलपर्स को जावा की हिस्ट्री के बारे में पता होना जरूरी है तो 1991 जून में जेम्स गॉसलिंग ने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था जिसको नाम दिया था उन्होंने ऑक ए के जो कि स्टार्टिंग में यू समझे एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मानी जाती थी जो कि बाद में उसको उन्होंने जावा का नाम दे दिया था तो जो इसकी फर्स्ट पब्लिक इम्प्लीमेंटेशन हुई थी वो हुई थी जावा का जो फर्स्ट वर्जन था वो था जावा 1.0 और वो 1995 के अंदर हुआ था सो करंटली जिस टाइम पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम पे जावा का जो वर्जन चल रहा है वो चल रहा है जावा जावा 14 लेकिन जावा 15 जो है वो है वो एक्सपेक्टेड कि सितंबर 2020 तक आ जाएगा तो इफ इन केस अगर आप ये वीडियो सितंबर के बाद देख रहे हैं तो आपका जो लेटेस्ट वर्जन उस टाइम पे होगा वो मोस्ट प्रोबेबली जावा फिफ्टीन ही होगा सो जावा को जो डेवलप किया था वो सन माइक्रोसिस्टम्स ने डेवलप किया था लेकिन दो के अंदर और इसको खरीद लिया था तो ये थोड़ी सी जावा की हिस्ट्री थी उसके बाद आते हैं कि जावा है क्या अगर कोई भी आपसे ये सवाल पूछे कि जावा को एक लाइन के अंदर एक्सप्लेन करें तो आपने सिंपली ये कह देना है कि जावा इज ए हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अब यहाँ पे मैंने एक वर्ड इस्तेमाल किया है हाई लेवल सो हमारे पास कितनी लेवल्स की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं बेसिकली हमारे पास तीन तरह की तीन लेवल्स की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं जिसमें है हाई लेवल मिडिल लेवल एंड लो लेवल लैंग्वेजेस सो हाई लेवल लैंग्वेजेस तमाम वो लैंग्वेजेस होती हैं जो कि इंसानों के समझने के लिए आसान होती हैं लेकिन कंप्यूटर्स उनको नहीं समझते तो उसके लिए हमें क्या करता है ट्रांसलेटर्स इस्तेमाल करने होते हैं जो कि हमारे कोड को ट्रांसलेट करें मशीन कोड के अंदर दूसरी लेवल की जो हमारे पास लैंग्वेजेस होती हैं वो होती हैं मिडिल लेवल लैंग्वेज जो कि इंसानों और कंप्यूटर्स के लिए आसान भी होती हैं कॉम्प्लिकेटेड भी होती हैं अगेन यहाँ पे भी हमें ट्रांसलेटर्स वगैरह इस्तेमाल करने होते हैं एंड उसके बाद लो लेवल लैंग्वेजेस होती हैं जो कि ह्यूमस के लिए आसान हो सॉरी ह्यूमस के लिए कॉम्प्लिकेटेड होती हैं लेकिन कंप्यूटर्स के अंडरस्टैंडिंग के लिए बिल्कुल आसान होती हैं अब आते हैं कि जावा को हम क्यों चूज़ करें जबकि हमारे पास दूसरी लैंग्वेजेस भी हैं तो जावा को हम क्यों चूज करें तो इसके में कुछ मेन फीचर्स आपको बता देता हूँ वो ये है कि सबसे पहले जावा जो है एक इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म लैंग्वेज है इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म का मतलब ये है कि अगर आपने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर जावा का कोड लिखा है तो अब उसका जो उसको आप जो है विंडोज के ऊपर भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं आईओ uh, के भी ऊपर जो है एग्जीक्यूट कर सकते हैं के ऊपर भी कर सकते हैं मिस के किसी भी दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं ऐसे नहीं है कि विंडोज पे आपने जो कोड लिखा है अब एप्पल uh, के लिए या आईओ के लिए आपने अगेन वो सारा कोड लिखना होगा ऐसे नहीं है सो so, आपने कोड एक दफा लिखना है और फिर हम इसको डिफरेंट प्लेटफॉर्म या डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे चला सकते हैं दूसरा जो इसका मेन फीचर है वो ये है कि जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एक टर्म होती है जो कि मैं आपको आगे नेक्स्ट वीडियोस के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा डिटेल के साथ उसके बाद जावा जो है वो ओपन सोर्स है ओपन सोर्स है दैट्स मीन कि ये फ्रीली अवेलेबल है सब किसी के लिए और उसके अलावा ये एक सिक्योर फास्ट प्लस पावरफुल लैंग्वेज है इसकी इस लैंग्वेज के थ्रू हम बड़े बड़े सॉफ्टवेयर uh, वगैरह बना सकते हैं उसके बाद है जावा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन फेज सो so, जावा की टर्मोलॉजीज की तरफ चलने से पहले मैं आपको जावा का जो कोड हम लिखते हैं तो वो एग्जीक्यूट कैसे होता है कितने फेजेस होते, है, so, होते हैं वो मैं जरा आपको बताता चलू यहाँ पे सो बेसिकली हमारे पास तीन प्रोसेस होते हैं सो सबसे पहले होता है वो ये कि हम अपने कोड को लिखते हैं मीनस की आप और मैं हम जो प्रोग्रामर्स होते हैं फर्स्ट फेज में हम अपना कोड लिखते हैं सेकेंड फेज में फिर क्या होता है कि हमें वो कोड जो है वो कंपाइल करना होता है सो so, कंपाइल करने के लिए हमारे पास जो है जावा सी कंपाइलर अवेलेबल होता है जेडीके के अंदर जो कि क्या करता है हमारे सोर्स फाइल को बाइट कोड के अंदर कन्वर्ट कर देता है ठीक है जी उसके बाद हमारे पास होता है थर्ड फेस जिसको हम कहते हैं प्रोग्राम रन फेस और जेवीएम ये करता है कि जो हमारा बाइट कोड जनरेट होता है जेवीएम उसको एग्जीक्यूट करता है सो so, जेवीएम क्या है ये मैं अभी आपको थोड़ी देर में एक्सप्लेन करने वाला हूँ सो so, हमारे पास कुछ टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल होती हैं जैसे कि जे जिस, डी के हो गया जे वी एम हो गया जे आई टी हो गया इसके अलावा जे आर ई हो गया ये चार ऐसी टेक्नोलॉजीज होती हैं जो कि कॉमनली न्यू जावा डेवलपर्स को बहुत जो है कन्फ्यूज़ है, है, करती हैं तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि इनको मैं आसान लफ्जों में आपको एक्सप्लेन कर सकूं ताकि जब आप इंटरव्यूज में जाए तो वहां पे आप उनको आसान तरीकों से एक्सप्लेन uh, कर सकें सो so, उससे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि ये जो हमने जेडी किट डाउनलोड किया था अपनी फर्स्ट वीडियो के अंदर इसके अंदर क्या क्या, -क्या चीजें होती हैं तो जेडी के स्टेड फॉर जावा डेवलपमेंट किट और इसको मैं और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा लेकिन फिलहाल मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि जेडी के अंदर क्या क्या चीज़ें अवेलेबल होती हैं सो so, जेडी के अंदर हमारे पास दो चीजें मेनली अवेलेबल होती हैं फर्स्ट uh, होती है डेवलपमेंट टूल्स डेवलपमेंट टूल्स इसके अंदर होते हैं जैसे जावा सी जावासी जावा कंपाइलर हो गया जावा डॉक्स हो गई डिबर्गर हो गया ये सारी चीजें डेवलपमेंट टूल्स के अंदर आती हैं और फिर उसके बाद हमारे पास यहां यहाँ पे होते हैं जे आर जावा रन टाइम एनवायरमेंट और फिर जे आर ई के अंदर हमारे पास होता है जेवीएम और इसके अलावा कुछ हमारे पास जावा के पैकेजेस होते हैं और रन टाइम फिर जे वी एम के अंदर हमारे पास क्या होता है क्लास uh, लोडर होता है मेमोरी एरियाज होते हैं और जे आई टी कम्पाइलर होते हैं सो so, ये मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ ओवरव्यू दिया है कि जेडी के अंदर क्या होता है सो so, अब मैं आपको डिटेल के साथ बता रहा हूँ कि जे वी एम क्या होता है और जे डी के वगैरह क्या होते हैं सो जे वी एम स्टेट फॉर जावाचुअल मशीन इसका जो काम होता है ये ये होता है कि ये हमें रन टाइम एनवायरमेंट प्रोवाइड करती है जिसमें हम बाइट कोड को एग्जीक्यूट करते हैं सो so, जो, है, जो हमने कोड लिखा हुआ होता है उसके जो फाइल की एक्सटेंशन होती है वो होती है डॉट जावा ये मैं आपको प्रैक्टिकली नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोज में दिखाऊंगा और फिर जब हम इसको कंपाइल करते हैं तो कंपाइल करने के बाद हमारे पास एक दूसरी फाइल जनरेट होती है जिसकी एक्सटेंशन होती है डॉट क्लास तो डॉट क्लास जो आपकी फाइल जनरेट होती है वो एक्चुअल में बाइट कोड होता है और जेवीएम क्या करता है उस फाइल को एग्जीक्यूट करवाता है ठीक है और जेवीएम के जो जो दूसरे टास्क होते होते हैं हैं वो क्या है? वो क्या है हमारे कोड को लोड करवाता है वेरीफाई करता है एग्जीक्यूट करता है और उस कोड को रन होने के लिए एक रन टाइम एनवायरमेंट प्रोवाइड करता है यहाँ पे एक चीज आपने याद रखनी है कि जेवीएम जो है वो फिजिकली एक्सेस नहीं करता क्योंकि वर्ड वर्चुअल का मतलब ये है, कि जो चीज़ वर्चुअली अवेलेबल हो लेकिन वो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती हो सो so, जब भी हम जेडीके को डाउनलोड करते हैं तो उसके अंदर हमारे पास जो फिजिकली चीजें आती हैं वो जेडीके खुद होता है और इसके अलावा जो है हमारे पास जे वगैरह होता है लेकिन जेवीएम आपको कभी भी उसके अंदर नजर नहीं आएगा क्योंकि ये वर्चुअली हमारे इसके अंदर अवेलेबल होता है सो जेवीएम इज प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट जेवीएम इस प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट का मतलब ये है कि अगर हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के के लिए आपको अलग से जेवीएम को इंस्टॉल या कॉन्फिगर करना पड़ेगा so अब चलते हैं जेआरई की तरफ जे आर जावा रनटाइम एनवायरमेंट अब जे सिंपली क्या है ये हमारे जे की इम्प्लीमेंटेशन होती है अगर आपने जावा के कोड को एग्जी उसको रन करना है तो उसके लिए आपको जे जे की जरूरत होगी विदाउट जे आप अपने कोड को नहीं चला सकते क्योंकि सेट ऑफ लाइब्रेरीजेज एट रन टाइम जे आर ई के अंदर हमारी कुछ सेट ऑफ लाइब्रेरीज होती हैं जो कि जेवीएम इस्तेमाल करता है रन टाइम पे कोड को चलाने के लिए तो दोनों को दोनों चीजें मिला के फिर ही हमारा कोड जो है वो एग्जीक्यूट होता है उसके बाद जो हमारा जे आर ई है वो फिजिकली uh, एग्जिस्ट करता है और uh, और ये भी जो है प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता है जेवीएम की वजह से उसके बाद आते हैं जेडी के तरफ सो जेडीके स्टैंड फॉर जावा डेवलपमेंट किट ये एक फुल फीचर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट है यू समझे कि एक पैकेज है जिसके अंदर हमारी तकरीबन सारी चीजें पड़ी हुई होती हैं सो so, इसके अंदर जो है हमारी कॉमनली जो चीजें होती हैं वो होता है जे आर ई प्लस डेवलपमेंट टूल्स डेवलपमेंट टूल्स में अः हमारे पास जो चीजें आती हैं वो है डिबर्गर हो गया कंपाइलर हो गया जावा डॉक हो गया जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको जावा सी बताया था वो जेडी के अंदर अवेलेबल होता है और इसके अलावा जो हमारे पास जे आर ई होता है जे आर ई के अंदर जो है हमारे पास जेवीएम होता है और लाइब्रेरीज होती हैं जो कि हमारे कोड को चलाने के लिए इस्तेमाल होती हैं ठीक है जी अब अगर मैं इनको point, अगर मैं मैं इनको टू पॉइंट आपको समझाने की कोशिश करूं आसान लफ्जों में तो जेवीएम मशीन है वो सिर्फ और सिर्फ हमें एनवायरमेंट प्रोवाइड करती है और जे आर ई हमारे कोड को रन करवाती है और जे डी के जो है उसके वो जो है हमारे कोड को रन करवाता है प्लस में उसके अंदर हमारी आ, प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट जो टूल्स मैंने आपको बताया थे वो हमारे JTK के अंदर होते हैं सो so, इसके अलावा एक और टर्म यहाँ पे इस्तेमाल होती है वो होती है जे आई टी जे आई टी स्टैंड फॉर जस्ट इन टाइम कंपाइलर और जे आई टी का काम ये होता है कि वो हमारे बाइट कोड को कन्वर्ट करता है नेटिव मशीन कोड के अंदर तभी जाके आपका जो कोड है वो एक्चुअल में उस मशीन के ऊपर चल रहा होता है तो ये ये था सारा हमारा जे आर ई जे वी एम जे डी के जे आई टी के जो डिफरेंसेस है ये सारे डिफरेंसेस थे अब अगर आप में आ, आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो या कोई भी सवाल हो तो काइंडली आप मुझे नीचे कमेंट में बता दें ताकि मैं आपके अगर आपका कॉन्सेप्ट अभी तक क्लियर नहीं हुआ तो वो उसके अंदर मैं आपका क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा सो गैस थैंक फॉर वॉचिंग एंड नेक्स्ट वीडियो से इनशाला हम लोग अपनी प्रोग्रामिंग को एक्चुअल तरीके से स्टार्ट करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे सो खैर अपना ख्याल रखिएगा अल्लाफि